दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, इससे आपकी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और हाँ, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे यहाँ पे आप क्लिक करके लाइक कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे जाके यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपका शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चेहरे की देखभाल की बात करें तो होठ अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। हमारा ध्यान होठों की ओर तभी जाता है जब ये बदरंग हो जाते हैं या फिर फटने लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी इंसान की खूबसूरती में होठ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेचुरल और पिंक लिप्स किसी भी इंसान की खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। खूबसूरत और पिंक लिप्स किसी भी महिला के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट पुरुषों के लिए भी है। हालांकि होठों का कलर सबका एक जैसा नहीं होता। अलग अलग देशों में अलग अलग एनवायरनमेंट के अनुकूल सबका कलर अलग अलग होता है। लेकिन हम कुछ स्पेशल केयर करके, कुछ घरेलू उपाय करके, अपने होठों की स्पेशल केयर करके इन्हें प्राकृतिक रूप से खूबसूरत और गुलाबी बना सकते हैं। तो सबसे पहले, शुरू करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से होठ जो होते हैं वो बदरंग हो जाते हैं या फिर काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश, आपका दोस्त और होस्ट, आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर राजेश। इस चैनल में हम स्किन और ब्यूटी से रिलेटेड, इसके साथ साथ हेयर से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज आपको देते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल टिप्स जिससे आप अपने होठों को खूबसूरत कर सकते हो, नेचुरली रूप से पिंक कर सकते हो। दोस्तों, आप सब जानते हो कि लिप्स हमारी बॉडी के बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। जरा सी लापरवाही का असर सीधा सीधा होठों पे पड़ता है। और किसी की स्किन ड्राई है तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर की ज़रूरत है। तो जानते हैं ऐसे वो कौन से कारण हैं, ऐसे वो कौन से कॉजेज हैं जिनसे होठ बदरंग होते हैं, फटते हैं या फिर काले पड़ जाते हैं। तो सबसे पहला कारण है, वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने में ही बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। पानी की कमी हो जाने से पूरी स्किन ड्राई हो जाती है और लिप्स पे सबसे पहले असर पड़ता है। लिप्स फटने लगते हैं, लिप्स ड्राई होने लगते हैं, लिप्स जो है शुष्क होके काले होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा कारण है पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा जम रहा है, मेलानिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का, हमारी स्किन का कलर होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा जम रहा है, लिप्स पे सबसे पहले असर होता है तो लिप्स काले होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मेलाइज्मा। मेलाइज्मा है जो है वो स्किन में पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है, उसमें मेलानिन पिगमेंट बनने लग जाता है। तो मेलाज्मा होने पर भी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है और लिप्स पे सीधा सीधा असर पड़ता है, लिप्स आपके डार्क हो जाते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म पानी, कॉफ़ी या फिर कुछ भी कैफीन यूज़ करने से भी आपके होठ काले होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद लाइफस्टाइल हैबिट्स। बदलते लाइफस्टाइल का सीधा असर हमारे लिप्स पे होता है। इतना धूल मिट्टी और डस्ट होने के कारण और इतना केमिकल यूज़ होने के कारण लिप्स का कलर ब्लैक हो जाता है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा यूज़ अगर आप कॉस्मेटिक्स का करते हो, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग लगातार लंबे समय तक अपने होठों पर करते हो तो भी होठ आपके काले हो जाते हैं। इसके बाद एनीमिया। अगर खून की कमी है तो सीधा सीधा असर होठों पे पड़ेगा और होठ आपके काले हो जाते हैं। बहुत से एलर्जी ऐसी होती है जिसका असर होठों पे पड़ता है। बहुत से एलर्जी के फैक्टर से सीधे होठ काले हो जाते हैं। तो काले होठों का एक रीज़न एलर्जी भी होती है। इसके बाद हार्मोनल इम्बेलेंस। बॉडी में हार्मोन का जब इम्बेलेंस हो जाता है तब भी होठ काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप लंबे समय तक धूप के कांटेक्ट में हो, सन रेज आपकी कंटिन्यू आपके लिप्स पे पड़ रही है तो भी लिप्स आपके काले होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग जो होती है लिप्स को और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि स्मोकिंग सिगरेट, बीड़ी जो भी होती है बहुत गर्म होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसका लिप्स के साथ होता है, इसलिए लिप्स पर बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है। तो ये सब कारण हैं जिससे लिप्स काले पड़ते हैं या फिर गंदे होते हैं या फिर फट जाते हैं, बदरंग हो जाते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे पहले इन कारणों को आप अवॉइड कीजिए। अब मैं दे रहा हूँ आपको स्पेशल होम रेमेडीज़ जिन्हें फॉलो करके अगर आपके होठ काले हैं, लिप्स काले हैं, तो नेचुरल रूप से उन्हें पिंक कर सकते हो, लाल कर सकते हो। इसके बाद मैं स्पेशल मास्क बताऊँगा, वो मास्क आप अप्लाई करके भी होठों को लाल कर सकते हो, पिंक कर।
होम रेमेडीज में सबसे पहले बात करूंगा स्क्रबिंग की। जिस प्रकार आप स्किन पे स्क्रब करते हो और डेड सेल रिमूव होती है, उसी प्रकार लिप्स पे भी डेड सेल्स आ जाती है, जिसकी वजह से होर जो है काले दिखाई देने लगते हैं। अगर लगातार आप स्क्रब करते हो, हफ्ते में 2 या 3 बार स्क्रब करते हो, तो आपके लिप्स नेचुरली गुलाबी हो जाएंगे, नेचुरली रेड हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे। स्क्रब करने के लिए आपको मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही नेचुरल स्क्रब बना सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ शुगर लेनी है, चीनी लेनी है। चीनी में आप ऑलिव ऑयल मिला सकते हो, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल मिला सकते हो। और ये मिक्सचर आपको होठों पर मसाज करनी है 15 मिनट, और हफ्तों में 3 दिन कीजिए, और इसका रिजल्ट देखिए। आपके जो लिप्स हैं एक हफ्ते में ही बहुत नेचुरल और शाइनिंग हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। इसके बाद आलमंड ऑयल में थोड़ा सा नींबू मिला लीजिए, और उसके तेल की मसाज आप लगातार कीजिए, हफ्ते में 2-3 दिन करते रहिए। उसके बाद करने के बाद आप इसके बाद एक टिप्स और कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाइए, बहुत ज़्यादा जूस लीजिए। इसके साथ विटामिन ई जो होता है स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है, होठों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं मार्केट में, उस कैप्सूल को आप प्रिक करके, नीडल से प्रिक करके वो ऑयल निकालिए, उस ऑयल का लेप आप अपने लिप्स पे करके आधे घंटे तक रहने दीजिए। उसके बाद सिंपल पानी से वॉश कर लीजिए, वॉश करने के बाद कोई भी लिप ऑयल लगा सकते हो, लिप बाम लगा सकते हो। इसके बाद मैं आप बताऊंगा कि रात को अगर आपके होठ डेली फटते हैं या सीजनल फटते हैं, तो रात को डेली देसी घी का लेप करके, देसी घी की मसाज करके आपको सोना चाहिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ स्पेशल लेप जो आप अपने होठों पे करने के बाद आपके होठ जो हैं नेचुरल रूप से खूबसूरत हो जाएंगे, प्राकृतिक हो जाएंगे। दोस्तों, ये ऐसे मास्क हैं जिन्हें आप घर में रेडी कर सकते हो, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहती है, तो आप इनका प्रयोग डेली कर सकते हो, आज से ही शुरू कर दीजिए। सबसे पहले एलोवेरा जेल मास्क। एलोवेरा जो होता है स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है, मैंने अपनी और वीडियोस में भी बताया है। एलोवेरा को जेल जो निकाल के, जो अंदर गुदा होता है वो निकाल के उस पर आप लगा के रखिए, और आधे घंटे बाद वॉश कर दीजिए। जितने भी मास्क मैं बता रहा हूँ इनके यूज़ करने का तरीका मैं लास्ट में बताऊँगा, सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी नाम बता देता हूँ। एलोवेरा जेल मास्क है, लीव है, गुलाब की पत्तियों का मास्क है, गुलाब की पत्तियों को पेस्ट बना के उसका लेप कर सकती हो। अनार के दानों को दूध में मिला के लगा सकती हो, हल्दी को आप दूध में मिला के लगा सकती हो, हल्दी को आप मलाई में मिला के लगा सकते हो। लेमन का मास्क है, नींबू और हनी को मिक्स करके आप लगा सकते हो। इसके बाद है लेमन और ग्लिसरीन, नींबू और ग्लिसरीन को मिला के आप लिप्स पे मास्क लगा सकते हो। चोको या फिर चॉकलेट, चोको पाउडर या फिर चॉकलेट्स का मास्क आप बना के अपने लिप्स पे लेप कर सकते हो। दूध और हल्दी मैंने बता ही दिया है, स्ट्रॉबेरी को भी दूध में मिला के आप लगा सकते हो, ये भी मास्क है, बहुत ही खूबसूरत मास्क, बहुत जल्दी इससे ग्रो करता है, आपकी जो लिप्स हैं बहुत जल्दी नेचुरली लिप्स पिंक होते हैं। इसके बाद धनिया की पत्तियों का मास्क, धनिया की जो पत्तियाँ होती है हरी धनिया, उसकी पत्तियों का मास्क आप लगा सकते हो। उसके बाद बीट रूट जूस, बीट चुकंदर होता है, चुकंदर के जूस का मास्क भी आप लगा सकते हो। ये मास्क दोस्तों इस तरह से लगाने हैं, आपने लेप बनाना है मास्क का, ये जूस है जो भी है इसका, आपने होठों को सिंपल पानी से वॉश करके लेप करके रखना है, मोटा मोटा लेप। लेप कम से कम 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक रखना है। इसके बाद सिंपल पानी से अपने वॉश कर लेना है, वॉश करने के बाद कोई भी लिप ऑयल या फिर लिप बाम या फिर ग्लिसरीन आप लगा सकते हो। तो ये स्पेशल केयर है, इन्हें आजमा के आपके लिप्स जो है नेचुरली पिंक हो जाएंगे, नेचुरली खूबसूरत हो जाएंगे, जिस तरह से मेरे लिप्स हैं देख सकते हो आप। मैंने कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं किया है, ना कोई लिप ग्लो यूज़ करे, सिर्फ ये टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके मेरे लिप्स भी पहले काले होते थे, लेकिन ये टिप्स फॉलो करने के बाद ऐसे हो गए हैं, बहुत खूबसूरत, सभी तारीफ करते हैं, ऐसे ही आपकी तारीफ करेंगे। हम यही चाहते हैं कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह से हेल्दी टिप्स हम आपको देते रहेंगे। आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आए, अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। विटामिन्स की कमी, बहुत से विटामिन्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्किन को बूस्ट करते हैं, लिप्स को बूस्ट करते हैं, लिप्स और स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उन विटामिन्स की कमी के कारण लिप्स जो है ड्राई हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं और फटने लगते हैं और काले पड़ जाते हैं।